हाय फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एचटीएमएल और एचटीएमएल के कुछ टैग्स के बारे में। तो देखते रहिए सीएस क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचटीएमएल क्या है। देखो, एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना होकर ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम वेब पेज डिजाइन में यूज करते हैं। क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि जो एचटीएमएल लैंग्वेज है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट मैं आपको बता दूं कि जो एचटीएमएल लैंग्वेज है ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और ये मेनली वेब डिजाइनिंग में ही यूज होती है। वैसे केवल अकेले एचटीएमएल ही एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे हम वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा लैंग्वेजेज होते हैं जो वेब डिजाइनिंग में हमारी हेल्प करते हैं, बट अगर हम वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम एचटीएमएल लैंग्वेज ही सीखते हैं। और अकेले एचटीएमएल लैंग्वेज से ही हम कंप्लीट एक अच्छी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। एक अच्छी और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें एचटीएमएल के साथ साथ और भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जैसे सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है या फिर पीएचपी है। अब हम बात करते हैं कि एचटीएमएल में टैग्स क्या होते हैं। अब जो हमारा वेब पेज होता है उस वेब पेज के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, कोई हेडिंग है, कोई इमेज है या फिर कोई और कंटेंट है। इन सभी कंटेंट्स को हम एचटीएमएल के टैग्स के रूप में लिखते हैं। अगर हम कोई हेडिंग डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम हेडिंग का टैग यूज करेंगे। कोई फोटो इमेज डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इमेज का टैग यूज करेंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को यूज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स यूज करते हैं। एचटीएमएल के अंदर जो टैग होते हैं उनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम एचटीएमएल टैग्स को हम दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कंटेनर टैग, जिसको हम पेयर्ड टैग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, जिसको हम अनपेयर्ड टैग बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर टैग के बारे में या फिर पेयर्ड टैग के बारे में। तो जो पेयर टैग्स होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं, जिसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। ये तो जो ओपनिंग टैग और जो क्लोजिंग टैग होते हैं ये दोनों टैग देखने में एक जैसे ही होते हैं, बट जो क्लोजिंग टैग होता है या फिर एंडिंग टैग होता है उसके अंदर हम स्लैश का यूज करते हैं, जो हमें बताता है कि ये इसका एंडिंग टैग है। इसलिए जिस टैग के अंदर हम स्लैश का यूज करते हैं वो एंडिंग टैग हो जाता है, और जिस टैग के अंदर हम स्लैश यूज नहीं करते वो उसका स्टार्टिंग टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन जो टैग है एचटीएमएल का वो होता है एचटीएमएल। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका स्टार्टिंग टैग होता है और ये इसका एंडिंग टैग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो जो एंडिंग टैग होता है उसके अंदर स्लैश का यूज किया है हमने। तो ये होते हैं कंटेनर टैग, जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। अब हम बात करते हैं एम्प्टी टैग या फिर अनपेयर्ड टैग के बारे में। अब जो अनपेयर्ड टैग होते हैं उनके अंदर हम कोई भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग यूज नहीं करते, वो सिंगल टैग यूज होते हैं। उसको हम ना तो स्टार्टिंग टैग बोल सकते हैं और ना उसको एंडिंग टैग बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल टैग यूज होता है। जैसे कि ब्रेक के लिए हम बीआर टैग यूज करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो अनपेयर्ड टैग की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जैसे इमेज टैग हो गया, एचआर या फिर इनपुट टैग। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जिनको हम पेयर्ड में यूज करने की बजाय सिंगल यूज करते हैं, इसलिए वो अनपेयर्ड या फिर एम्प्टी टैग कहलाते हैं। तो आई होप आपको एचटीएमएल और एचटीएमएल के टैग्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अगर अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सीएस क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।